हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जून क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहला हमारा क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो बिजनेस होगा वो आपके ओनर से सेपरेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप बिजनेस ओपन करते हो तो ओनर का होना मस्ट है, क्योंकि वो ओनर क्या करेगा, कैपिटल लेके आएगा, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। सो बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या, कि बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आपके ओनर्स और आपके जो बिजनेस है वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब आप अपनी बात करोगे तो आप बीच में बिजनेस को नहीं लाओगे, और जब आप बिजनेस की बात करोगे तब आप अपनी पर्सनल चीजें नहीं लेके आएंगे। सो ये आपका हुआ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को यूज करूंगी, आपको वो नोट कर लेना, चाहे तो उसको माइंड में कैच कर लेना, ठीक है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना फ्रेंड्स, तो आप ये नहीं सोचते हो कि 5 साल 6 साल या मतलब कुछ टाइम के बाद मैं अपना इस बिजनेस को बंद कर दूंगा। आप क्या सोचते हो कि वो बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। आप क्या कर सोचते हो कि वो बिजनेस लगातार चलता रहेगा। सो आपका जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये आपका यही बताता है कि आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, ठीक है। सो गोइंग कंसेप्ट का क्या मतलब है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं इसको बोल के। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है बोलिए, कि आपके इसमें पार्टनर्स आए या जाए आपका बिजनेस चलता रहना चाहिए, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे पार्टनर से तुम आओ या जाओ हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम बताते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है अगर वो मनी के फॉर्म में है तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्या कहा मैंने कि अगर आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं अगर वो मनी फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में आप उसको वैल्यू दे पाते हो तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करेंगे, अदरवाइज उसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शंस जो कि मनी टर्म्स में है उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे, बट वो होनी चाहिए किससे रिलेटेड फ्रेंड्स, आपकी बिजनेस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, अच्छा इसके लास्ट में कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। सो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आपको पता है जितने भी बिजनेस इस टाइम चल रहे हैं, जितनी भी कंपनीज एस्टैब्लिश होती हैं, उनका स्टार्टिंग कब होता है, उनका स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च से, ठीक है। आपने 11th क्लास का तो लेक्चर दिया है ये, ठीक है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा टर्मिनोलॉजीज जब मैंने बताई थी तो उसमें अकाउंटिंग पीरियड की मैंने बात की थी कि जितने भी बिजनेस होते हैं वो हमारा 1 ईयर तक का रन करता है। मतलब जब आप फाइनल अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है, बिजनेस का फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। तो जो आपका बैलेंस शीट होता है ना फ्रेंड्स वो क्लोज कब होता है, एट द एंड ऑफ 31 मार्च, ठीक है, जो भी ईयर होगा वो ईयर लिख देंगे। सो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मतलब कि लेट सपोज आपने एक ट्रांजेक्शन किया और ये किया है 1st ऑफ जनवरी 2022 को,
तो आपको इसको 31 मार्च से पहले ही इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख देना है और इसको क्या कर देना है, सेटल कर देना है। ये अप्रैल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोज कब हो जाता है, 31 मार्च 2022 या जो भी ईयर चल रहा हो उस ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब आपने समझ लिया होगा, ड्यूअल का मतलब होता है दो और एस्पेक्ट का मतलब होता है बातें। तो हमारे अकाउंटिंग में आपको पता है ना, डेबिट और क्रेडिट, इसको डीआर डॉट प्लस सीआर डॉट करते हैं आप। सो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें बनती हैं, आपको सबको ये माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, दो साइड्स मेंटेन होनी चाहिए। आपकी डेबिट वाली एंट्री, अगर आप कुछ लेते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ ले रहे हैं बिजनेस से, ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट करेंगे ना, कुछ देंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ला रहे हैं ना। आपको गोल्डन रूल्स याद होंगे, डेबिट टुवर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट टुवर्ड गोज आउट। कुछ जाएगा बिजनेस से तो हम क्रेडिट करेंगे, कुछ आएगा बिजनेस में तो हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन, जिसको हम एक और नाम बोलते हैं, दैट इज योर रियलाइजेशन। अब ये रेवेन्यू रिकग्निशन क्या है, रेवेन्यू का मतलब यस वही रेवेन्यू जो हम डे टू डे एक्टिविटीज, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज से अर्न करते हैं रेवेन्यू को। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब क्या है, जितना भी आप मनी अर्न कर रहे हो, क्या कहा मैंने, जितना भी आप, जैसे आपने कोई मशीनरी परचेस करी बिजनेस में लगाने के लिए, तो जो अमाउंट पे आपने उसको परचेस किया है, उसका जो परचेस प्राइस है, ठीक है, आपको उसी वैल्यू पे उसको रिकग्नाइज, उसको क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेस प्राइस हमेशा आता है फ्रेंड्स, ठीक है, करंट में उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वर्ड हमारा कॉमर्स में बहुत फेमस है, डेप्रिसिएशन हर चीज पे लगता है। सो हमेशा रेवेन्यू रिकग्निशन के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो भी परचेस प्राइस अमाउंट हमारा रहता है, परचेस प्राइस पे जो लेते हैं हम सामान को, प्लांट मशीनरी कुछ भी, ठीक है, वही अमाउंट हम मेंशन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जितनी भी आपने रेवेन्यू अर्न करी, क्या कहा मैंने, जितनी भी आपने रेवेन्यू अर्न करी है वो प्लस उस रेवेन्यू को अर्न करने के पीछे जितना आपने एक्सपेंस किया है उसको माइनस कर दो, जो भी अमाउंट आ जाएगा हम उसको बोल देते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, जितना हमने अमाउंट अर्न किया है और उस अर्न करने हुए अमाउंट के पीछे जितना हमने एक्सपेंस किया है उसको डिडक्ट कर देंगे, जो हम अमाउंट आएगा वो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन कर देंगे। सो ये आपका क्लियर हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करेंगे फुल डिस्क्लोजर। अब ये फुल डिस्क्लोजर क्या होता है, वर्ड आपने देख ही लिया होगा, फुल डिस्क्लोजर मतलब पूरी चीज को डिस्क्लोज करो। हाँ, तो यही आपका क्लियर हो जाता है ये कॉन्सेप्ट। सो ये जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की हमारा लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो रही है, बिजनेस ने क्या परचेस किया, क्या सेल किया, वो बिजनेस का होना चाहिए, ओनर का पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, वो हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, वी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, जो वो हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फॉर डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है कि जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, ठीक है, या होने वाली है, उन सबको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे। जो हो चुकी है उनको अभी कर देंगे, जो होंगी जब वो हो जाएंगी तब हम उन्हें मेंशन करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। और आपको हम बता दें कि रेवेन्यू रिकग्निशन हमने देख लिया है तो परचेस प्राइस पे ही आपको कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे कंसिस्टेंसी। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि ये जाहिर चीज ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जो आपका बिजनेस है ना, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें हैं जो एक बार आपने ऑल्टर कर ली तो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वो चलेगा, वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यही कहता है कि आपका जो बिजनेस है ना, वो जिस प्रिंसिपल पे अभी एप्लीकेबल है वो उसी पे चलना चाहिए। बार बार चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। चेंज करना है बट एक टाइम पीरियड एंड होने के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा देर में या हर ईयर टू ईयर आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपका, सॉरी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है आपका कि जो आपका बिजनेस है वो कंसिस्टेंस होना चाहिए। वो जिस चीज में डील कर रहा है वो वही अभी डील करे, ठीक है। वो एवरी ईयर अपने चीजों को चेंज नहीं कर सकता है। करेंगे फ्रेंड्स कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की। अब इस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को हम प्यार से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि जब भी आप बिजनेस में डील करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हम एंटिसिपेट करते हैं प्रॉफिट को। हम हमेशा क्या सोच के चलते हैं कि हमारी जो बिजनेस है ना उसको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब लॉस को हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लॉस एक ऐसा केस हो जाता है जो कि किसी हैपनिंग के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी को नहीं पता था कि कोई पैंडमिक आ जाएगा जिसके थ्रू जो है बिजनेस को इतना लॉस हो जाएगा, और बहुत सारे जो है आपकी इंडस्ट्रीज है जिनको बहुत सारा लॉस जो है बियर करना पड़ा है, बट उन्होंने क्या सोचा था कि हमें लॉस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है कि आप हमेशा एंटिसिपेट करके चलेंगे, हमेशा सोच के चलेंगे कि हमारी कंपनी को या हमारे बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। लास्ट हमारा है फ्रेंड्स मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप मेंटेन करते हैं ना, उसमें सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप नोट डाउन करेंगे या मेंशन करेंगे वो सारे रिलेशन होने चाहिए, किससे रिलेट करनी चाहिए, मटेरियल से। मटेरियल का मतलब क्या है, आप कोई प्लांट परचेस करते हैं, कोई मशीनरी जो है परचेस करते हैं, ठीक है, उन सारे केसेस में आप क्या करेंगे, ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल आपका जो है, प्रिंसिपल नहीं सॉरी कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा। और आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको परचेस प्राइस पे क्यों कहा मैंने, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा क्या कहता है, कोई भी आप सामान परचेस करते हैं बिजनेस में तो आपको वो परचेस प्राइस पे ही शो करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो आई होप आपको ये सारी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में ना आई हो, ठीक है। सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।